है, सब देंगे। चाबी गाड़ी जब्त होगी, न्यायालय जाएगी। चाबी क्यों छीने मेरे से? गाड़ी न्यायालय जाएगी। ठीक है, न्यायालय चले जाएगी। चलो, आप कागज मांगते, चाबी क्यों मेरे से छीने? ले आओ कागज, ले आओ। और चाबी क्यों मेरे से छीने? कागज लेके आइए। कागज अभी दे रहा हूँ, चाबी क्यों छीना? पहले चाबी दीजिए मेरी। कागज ले आइए, चाबी दीजिए मेरी। जब्ती बनेगी उसकी। ठीक है, आप जब्ती कागज प्रस्तुत करेंगे तब चाबी। आप मेरे हाथ से चाबी क्यों छीने? कागज प्रस्तुत करेंगे, चाबी मिल जाएगी आप। कागज मैं अभी दे रहा हूँ। मुझे संदेह है कि गाड़ी चोरी की है। आप गाड़ी लगा लीजिए। मुझे संदेह है कि गाड़ी चोरी की है, आप कागज प्रस्तुत करिए, गाड़ी ले जाइए। मैं कागज अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप चाबी दीजिए मेरी। ले आइए। ठीक है सर। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी माँ पुलिस के द्वारा पुलिस पर हमला किया, का वजह रही यह अपना परिचय का बताओ। वो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति है जे खुद सीधी पुलिस में लगभग 7 साल से अपन सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन पर लगातार पुलिस के टेढ़ी नज़र और उन पर प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के खिलाफ लगातार वो खड़े रहे थे। हालांकि एक सिपाही पर पुलिस के यह बर्ताव का सही आए कहे कि अपना वीडियो अभी दिखे हो और हमारे साथ चल ही रहा है वह वीडियो जो उन्हें मैं अपना देख सकी थे कि थाना प्रभारी के यह कृत्य का वास्तव में एक सिपाही के साथ हो चाहिए तो विंध्य क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल बामकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और यह पूरे मामला के अब खुलासा करे जा रहे हैं कि आखिरकार यह काहे घटना भय, कौने वजह से भय और का घटना रही। दीनबंधु जी अपना सीधी पुलिस में कब से पदस्थ है? मैं 2017 सितंबर 2017 से पदस्थ हूँ। हाँ, का कुछ घटनाक्रम भरा सीधी सिटी कोतवाली में जब अपना के साथ हुआ घटनाक्रम के ये वीडियो जो वहाँ बा है ये वास्तव में सोचनीय विषय है। का कुछ घटनाक्रम भरा? ऐसा है सर जी कि 2021 में मेरा कार का एक्सीडेंट किया गया था जिसमें मेरे ऊपर 2022 में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। उसमें थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा फर्जी काउंटर अपराध मेरे ऊपर पंजीबद्ध कराया गया जिसका नोटिस देने के लिए मुझे कोतवाली पिछले महीने बुलाया गया था, जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति व्यक्त किया गया कि काउंटर अपराध कहां से बनती है जबकि मेरे द्वारा खड़ी गाड़ी के एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया गया और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से भी शिकायत प्रस्तुत किया गया जिसकी जाँच एसटीओपी कार्यालय कुसमी के द्वारा की जा रही है। जब तक कार्रवाई से मुझे जानकारी नहीं दी जाएगी मैं कोई भी 41 का नोटिस नहीं लूँगा। मैं नोटिस लेने से इनकार कर वापस आ रहा था तो बुलेट की चाबी जैसे ही अपने जेब से निकाल के बुलेट में लगाने लगा तो हाथ मरोड़ के छीन लिए। मैं एक दो बार छीन लिया थाना प्रभारी श्री अभिषेक उपाध्याय, जब मैं उनसे चाबी एक दो बार मांगने लगा तो वो इरिटेट होकर माधर चौथ दाई चौथ गाली देने लगे मुझे। तो इसके द्वारा उसके बाद मैं अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बनाने लगा। जब वीडियो बनाने लगा तो उसमें स्पष्ट बोले जब्त होगी, तो मैंने बोला आप कागज़ देखते हैं जब्त कैसे होगी? बोले मुझे शंका है कि चोरी की मोटरसाइकिल है, जबकि सर ऐसा है कि मैं 2017 से सीधी में पदस्थ हूँ। सीधी में 700 अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें 2-4-10 के तो नहीं कहेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सब मुझे जानते हैं। और उसके बाद भी आप कोतवाली स्टाफ तो सभी मुझे जानते हैं, उसके बाद भी थाना प्रभारी द्वारा ऐसे प्रतिशोध में वो मेरी कार तो जब्त नहीं कर पाए तो प्रतिशोध में आके मेरी बुलेट ही जब्त कर लिए। नहीं तो यह मैं बर्ताव का कौन नजरिए से देखी थे अपना ये पुलिस कर्मचारी के लिए वो दिन काली दिन थी, ये अति अति निंदनीय है क्योंकि 30 साल मेरा उम्र हो गया, थाना परिसर के अंदर फर्जी वाहन चेकिंग पंचनामा आज तक नहीं हुआ। मेरे भी पिताजी पुलिस में हैं, भाई मेरे पुलिस में, मैं भी 11 सालों से सेवा दे रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं हुआ। नहीं तो चलिए अब अपना काका एम अग्रिम कार्यवाही कह रहे हैं ये पूरे मसला। मैं इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान DIG महोदय IG महोदय सबसे निवेदन किया हूँ उनकी जांच कराई जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए थाना प्रभारी श्री अभिषेक उपाध्याय के विरुद्ध। चलिए तो कुल मिला के जैसा कि अपना मामला समझ चुके हो कि एक सिपाही के ऊपर पहले तो फर्जी मुकदमा के आरोप है और फिर उसके बाद उक्त थाना प्रभारी के ऊपर यह आरोप है कि गाली गलौज करी और साथ में एक फर्जी पंचनामा थाना परिसर के अंदर बनाए के गाड़ी का जब्त कर लेन का गाड़ी में अपना जैसा कोनो कमी पाई गई फिर गाड़ी कहाँ से छोड़वाएं अपना? गाड़ी में माननीय न्यायालय CGM साहब के यहाँ से छुड़वाया मैंने, इस्तगासा उनके द्वारा लगाया गया था फर्जी वाहन चेकिंग का थाना परिसर के अंदर जी। तो ये बताइए यह संभव है थाना परिसर के अंदर कौन वाहन चेकिंग होती है? जी नहीं, उसकी रोजनामचा साना होती है, फुटेज होती है, जहाँ से एक प्रक्रिया है पर अधिकारी महोदय चाहे तो तत्काल अवलोकन का CCTV फुटेज का थाना प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए तो कुल मिला कि यह सीधी के हाल है कि सीधी नाम सीध नहीं है बल्कि काम
सलगेटेन है और हाँ जी सर, जो जिस अपराध के संबंध में मुझे नोटिस देने के लिए बुलाया गया था वो मोटर व्हीकल एक्ट का अधिनियम में स्पष्ट दिया हुआ है 6 महीने से 1 वर्ष के उधर नोटिस शामिल कराया जाए, जबकि उसकी समयावधि बीत चुकी है, उसमें नोटिस देने का कोई अचूत नहीं है। अगर मैं पूर्व में नोटिस नहीं ले रहा था तो मैं फरारी में वो चालान पेश कर सकते थे, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। चलिए तो अपना लागत है बदले की भावना से पूरी कार्यवाही हो रही जी, एकदम सत्य है, अपना से काहे बदला लिया जा रहा है तो ऐसा तो थाना प्रभारी ही बताएंगे जी। चलिए तो यह संदर्भ में हम थाना प्रभारी से बात करे के प्रयास करब कि आखिरकार का वजह रही कि वो अपने सिपाही के ऊपर यह में कार्यवाही का अंजाम देते रहे, कहे कि दीनबंधु के द्वारा लगातार जो है होए वाले घटनाक्रमन में गलत कामन के विरोध जो है बड़े स्तर में कीन जा रहा, शायद यह वजह हो सकती थी। ये बताइए अपना लगातार जो है पुलिस के निशाने में रही थे, जबकि पुलिस विभाग बहन वजह का ही मेरा मंशा था इस विभाग से निकलना, और अधिकारी को जांच के महोदय जांच हो और भी कार्रवाइयों में मुझे घिरने का, पूर्व में भी मेरे साथ बहुत जुल्म किया गया और कर्मचारियों के बसरते मेरे साथ अनियमितता की गया, मैंने जब से भर्ती हुआ तब से आपत्ति उठाया। चलिए तो ये वजह से जो है लगातार एक व्यक्ति का टारगेट करके जो है बदले के भावना से कार्यवाही की जा रही है, तो निश्चित तौर पर यह कहो न कहो सवालिया निशान तो लगते हैं, और वो के साथ साथ यदि पुलिस है और पुलिस के दर्द न समझी तो फिर आखिर को दर्द समझे, यदि दर्द है तो अपने अधिकारी को बताबेगा, लेकिन वह दर्द पर मरहम लगावे के बजाय दर्द का कुरेदे के प्रयास कीनगा, यह है पूरा मामला। हमारे साथ चल रही है वीडियो जो अपना देखी लागे और अपना का पूरी वीडियो हम दिखाए थे जो उन्हें माँ आवाज़ सहित अपना सुनी कि आखिरकार कौमे थाना प्रभारी के बर्ताव रहा था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। अपना संतान के सुख से वंचित है, अब इन्हें संपर्क करी विंध क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004167 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौज तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग